जदयू ने अपने भरोसेमंद साथी संजय सिन्हा को खो दिया। पूरे घटनाक्रम की बात कर ली जाए तो घुटने के दर्द से संजय सिन्हा परेशान हुआ करते थे, उसको लेके उन्होंने पटना के मेडिवर्सल अस्पताल में एडमिट हुए थे और उनका इलाज कराने गए थे खुद का। लेकिन जब इस पूरे मामले को लेके जांच की गई तो जांच में हृदय उनका 25-30% ही काम कर रहा था। इस पूरे मामले को लेके वहाँ के जो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर थे उन्होंने ऑपरेशन करने से रोक लगा दिया था, लेकिन जो निशिकांत वहाँ के डॉक्टर हैं उन्होंने ऑपरेशन कर दिया, जिसके कारण कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से संजय सिन्हा की मौत हो गई। ये तमाम आरोप पीड़ित परिजन के। इस पूरे घटनाक्रम के बाद लगातार जदयू के जो नेता हैं वो गुस्से में हैं। निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सुनील सर हैं, जदयू के वरीय लीडर हैं और डॉक्टर समुदाय से भी आते हैं। तमाम मुद्दों पे समझने की कोशिश करेंगे। सर, आपके जो एक साथी थे संजय सिन्हा, उनकी मौत हो गई, लापरवाही का आरोप पीड़ित परिवार ने लगाया है। तमाम जो आपके लीडर हैं बड़े जदयू के जो नेता, उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच किया जाए। और डॉक्टर हैं तो आप अच्छे चीज़ों को समझते भी हैं कि जब सर्जरी होती है और जांच होता है, अगर किसी तरह के हृदय में परेशानी होती है और डॉक्टर अगर संतुष्ट नहीं होते कि हाँ ऑपरेशन करने पे किसी की जान जा सकती है, तो एक कार्डियोलॉजिस्ट के वहाँ के डॉक्टरों ने मना कर दिया। उसके बाद भी निशिकांत ने ऑपरेशन कर दिया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई, पीड़ित परिवार का आरोप है। तो क्या कहेंगे इस पूरे मामले की? देखिए, पहले तो हम काफ़ी दुखी हैं, मर्माहत हैं कि अब जदयू में हमारे एक बड़े ही प्रिय साथी थे, समाजसेवी थे, राजनीतिक रूप से एक्टिव थे और हमारे जदयू के नेताओं ने भी काफ़ी दुख प्रकट किया है और हम लोग के लिए बहुत दुख का विषय है कि संजय जी नहीं रहे। और जहाँ तक उनके इलाज में लापरवाही का सवाल है, वो एक अपनी अलग विषय है। अगर परिजनों का आरोप है तो मैं एथिक्स कमेटी का, बिहार मेडिकल काउंसिल का सदस्य भी हूँ, तो वो वहाँ पर बिहार मेडिकल काउंसिल में शिकायत कर सकते हैं। हम लोग जाँचोपरांत देखेंगे क्या कसूर है, फिर अपने जाँचोपरांत उचित कार्रवाई करेंगे। मगर जैसा कि आप बता रहे हैं, डॉक्टर निशिकांत, जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत नॉलेज है, डॉक्टर निशिकांत एक काबिल डॉक्टर हैं, एक स्क्रूपलस डॉक्टर हैं और एक मेधावी डॉक्टर हैं। ऐसा वो कोई कार्य नहीं करना चाहिए उनको जिसमें कि वो एक जो अनएथिकल होगा या वो एक जो प्रोटोकॉल से बाहर होगा। अब ये परिजनों का आरोप है, मैं उनको भी नहीं झुटला सकता, लेकिन सारी बातें जो जाँचोपरांत सामने आएगी तो बिहार मेडिकल काउंसिल में जो परिजन हैं वो अपना शिकायत कर सकते हैं। हम लोग वहाँ इंक्वायरी करेंगे, जांच करेंगे। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि एक व्यक्ति का मौत होना, एक व्यक्ति का मौत होना उसके परिवार के लिए तो दुखद है ही, लेकिन जिस चिकित्सक के इलाजरत होने पर मौत होती है, चिकित्सक भी उतना ही दुखी होता है। हम चिकित्सक भी मरीजों से उतना ही इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए ऐसा कोई कुछ भी कहीं नहीं हो सकता जानबूझ के कोई, और ख़ास करके वो डॉक्टर निशिकांत की बात कर रहे हैं, वो एक एथिकल चिकित्सक हैं। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ इसकी व्यक्तिगत जानकारी मुझे नहीं है, मैं जानकारी लेने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा, लेकिन जहां तक हमें लगता है कि इस तरह से बिना जाने बूझे किसी चिकित्सक पर आरोप लगाना उचित नहीं है। लेकिन सर, आप डॉक्टर हैं, चीज़ों को समझते हैं, लेकिन एक चीज़ों को पहले क्लियर करिए कि अगर कोई व्यक्ति ऑपरेशन करवाने जाता है और जब तमाम चीज़ों की जांच होती, अगर किसी का हृदय 25-30% काम करता है और जब वहीं के कार्डियोलॉजिस्ट के डॉक्टर अगर मना कर देते कि नहीं अभी 2-3 दिन के बाद होगा, क्योंकि अगर ऑपरेशन किया जाएगा तो जान को खतरा हो सकता है, वहीं के डॉक्टरों ने ये बात को क्लियर किया था, उसके बावजूद भी ऑपरेशन कर देना, ये तमाम पीड़ित परिवार के तर्क है, हमारे तर्क नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही। तो देखिए, सामान्यतः अगर सामान्य सर्जरी के पहले हम लोग कार्डियोलॉजी क्लियरेंस लेते हैं, अगर मरीज हृदय रोग से पीड़ित हो तो क्लियरेंस के बाद ही ऑपरेशन करते हैं। लेकिन अगर बिना क्लियरेंस के ऑपरेशन की नौबत आई तो वो क्या अर्जेंसी था, क्या इमरजेंसी था जो करना पड़े। से मान लीजिए कि अगर कोई एक्सीडेंट का केस आएगा तो एक्सीडेंट के केस में हम इलाज करते हैं, ना कि उसका हम जो क्लियरेंस वगैरह कराते हैं, फिजिकल फिजिशियन क्लियरेंस वगैरह। लेकिन इस केस में पर्टिकुलरली मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ये सामान्य सर्जरी होगी, रूटीन सर्जरी होगी और उनके कार्डियोलॉजिस्ट अगर क्लियरेंस नहीं देंगे तो सामान्यतः निशिकांत ऐसे काबिल डॉक्टर ऐसा नहीं करेंगे, मुझे लगता है। अगर वो किए तो किस परिस्थिति में किए, उनकी क्या अर्जेंसी थी, क्या इमरजेंसी थी, ये बातें जाँचोपरांत ही स्पष्ट हो पाएगा। पीड़ित परिवार का एक और आरोप है कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं, जो डॉक्टर हैं, उनको ऐसा लगा होगा कि हाँ मरीज चला जाएगा तो फिर कहीं और करवा ले, कहीं और सलाह ले ले, इसी के डर से काफ़ी आनन फानन में ऐसा कदम। देखिए, हम चिकित्सक जब
डिग्री लेते हैं तो हिपोक्रेटिक ओथ भी लेते हैं, और हम लोग MCI के डंडा भी हम लोग के सर पर होता है। MCI का एथिक्स का पूरे रूल है, और ऐसा सारे हम चिकित्सकों को आपने और समाज ने दूसरे भगवान का दर्जा दिया है। तो जब मरीज चिकित्सक के पास आता है तो पूरे विश्वास के साथ आता है, चिकित्सक को भगवान समझता है। तो मरीज में और डॉक्टर में एक विश्वास का रिश्ता होता है। तो इस तरह की बातें कि अगर हम मरीज मेरे हाथ से निकल जाएगा इसलिए मैं अनस्क्रुपुलस होकर जल्दी ऑपरेशन कर दूंगा, सामान्यतः ये एक उचित नहीं है। और ऐसा कोई एक चिकित्सक जो संवेदनशील चिकित्सक होगा वो ऐसा नहीं करता। और एक मरीज से कुछ बनना बिगड़ना लोगों का होता नहीं है। जो कोई व्यक्ति, जो कोई चिकित्सक जो एथिकल प्रैक्टिस करेगा, जो वाजिब प्रैक्टिस करेगा, जो गुणी होगा, वही व्यक्ति राइज भी करेगा और वही व्यक्ति के पास मरीज भी होंगी। और निशिकांत जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, हमारी समझ से उनके पास अच्छे खासे मरीजों की संख्या है, उनको ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर गलती हो तो करवाइए। देखिए, अगर कोई, मैंने कहा ना कि मैं बिहार मेडिकल काउंसिल के एथिक्स कमेटी का सदस्य हूँ, अगर किसी पीड़ित परिवार को इस तरह का लगता है तो वहाँ शिकायत कर सकते हैं, और हम शिकायत को विधिवत, शिकायत को जांचोपरांत विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। सीधे तौर पे डॉक्टर सुनील थे जो बता रहे थे कि इस पूरे घटना को लेके जिस प्रकार से जदयू ने अपने भरोसेमंद साथी को खोने का काम किया, ये दुखद है। और इस पूरे मामले को लेके अगर पीड़ित परिजनों का जो भी आरोप है उसको लेके शिकायत कर सकते हैं, मामले की जांच होगी और जांच के बाद जो भी निकल के आ पाएगा वो सीधे तौर पर क्लियर हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि निशिकांत निशी जो डॉक्टर हैं वो काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, काफ़ी अनुभवी भी हैं। रोहित, NBC24 पटना।